नीचे पानी वाले जो प्लेयर्स हैं उनको सबसे आखिरी में अब लिया जाएगा, बट एक्चुअली में यहाँ पर स्काउट अकेले नहीं, वो अल्ट्रॉन को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। क्या जोनाथन यहाँ से एक 1v2 निकल सकते हैं, एक ऐसा सिनेरियो जो अगर कंप्लीट कर जाते हैं तो एक बार फिर से जस्टिफाई कर जाएंगे कि ये खिलाड़ी क्लच स्पेशलिस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ग्रेनेड्स का जो डैमेज आ रहा है वो जोनाथन को बार बार अपने आप को हील करने पर मजबूर कर रहा है, क्या उतनी हीलिंग है? दिस माइट बी द डिसाइड ग्रेनेड फ्रॉम स्काउट बिकॉज जोनाथन इज बेली सर्वाइविंग ऑन दैट स्लेटर। कितने ग्रेनेड्स है स्काउट के पास, बैक टू बैक ग्रेनेड्स स्पैम, मुझे लगता है ये आखिरी होने वाला है। बट एक बार फिर से जोनाथन ने अपने आप को हील कर लिया, अब ये फाइट अब हेड टू हेड की रहेगी, खड़े होंगे स्काउट जाएंगे, जोनाथन को यहां से ऑब्लिटरेट कर देंगे कवर के पास। परसेंटेज बढ़ा रहा हूं टीम एक्स पाक के, लेकिन वो 30% भी जो यहां पर टीम एडमिट वो फायदा उठा सकती है इस चीज का, तो लेट्स फाइंड आउट किसके फेवर में जाएगी ये फाइट यहां पर। माय भी देखिए कन्वर्ट करना तो चाहिए, इतना अच्छा जोन का स्प्लिट था, इतना अच्छा यहाँ पर प्रेडिक्शन था, कॉल्स बेहतर आ जाते हुए हमें क्लियरली देखने को मिले हैं, और मेरे ख्याल से एग्जीक्यूशन भी बहुत परफेक्ट है। अकेले बच्चे में जूजी के लिए ज्यादा आसानी होने नहीं वाला। कमिंग अप विद द फ्रंट शॉट एंड टीम एक्स पार्क, आखिरी बचे दो खिलाड़ी अल्ट्रॉन और स्काउट ने